अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हवावे की टैब मीडिया पैड 3, ये 7 इंच है और मॉडल इसका है BG2W09। तो इसका चार्जिंग का मसला है, तो हमने चार्जिंग का जैक रिप्लेस करना है। तो दोस्तों, ये एहतियात से खोलनी है। ये आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से खोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसकी LCD ख़राब कर दें। तो दोस्तों, जब तक ये खुलती है आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर आप इसी पेज को लाइक कर दें, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को लाइक करके फॉलो कर लें। अब दोस्तों, इसकी स्क्रीन हमने अलहदा कर ली है और इसका जैक यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लेक्स हमने बड़े आराम से अलहदा कर लेनी है। तो ये इसके ऊपर एक टेप लगी हुई है। तो अभी दोस्तों, मैं इसके मदरबोर्ड के जितने भी पेच लगे हुए हैं वो सारे खोल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों, सारे पेच मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ से बैटरी का जैक इसका पहले निकालना है ताकि इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब हमने इसकी LCD का जैक भी अलहदा कर लेना है बड़े आराम से। तो ये आप देख सकते हैं हमने LCD को अलहदा कर लिया है। और इसके बाद हमने इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये भी मैं जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों, आप देख सकते हैं मदरबोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया है और इसके ऊपर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो भी रिमूव कर लेते हैं। तो ये जैक है दोस्तों इसका लगा हुआ जो चार्जिंग नहीं कर रहा, तो इसको हमने रिप्लेस करना है। तो ये नॉर्मल हवावे का ही जैक लगा हुआ है, जैसे कि हवावे Y52 और Honor 4C, इस तरह के जो मॉडल्स हैं यूनिवर्सल हवावे का जैक, इसमें भी वही लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसको उतारना किस तरह है, सबसे पहले आपने पेस्ट लगा लेनी है थोड़ी सी, उसके बाद नीचे से इसको हीट देनी है, गर्म करना है। ऊपर से भी दे सकते हैं जैसे आप मुनासिब समझें। तो मैं नीचे से दे रहा हूँ, जैसे ये नरम हो जाए तो इसको ऊपर उठा लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये नरम हुआ तो मैंने इसको उठा लिया और इसका जैक रिमूव हो चुका है। अब हमने नया जैक इसके ऊपर लगाना है। तो नए जैक लगाने से पहले कुछ उसके साथ काम करना होता है, यानी कि उसको सोल्डिंग वगैरह करनी होती है। तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे सोल्ड करना है। तो ये हमारे पास दूसरा एक जैक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसके मैं पॉइंट जो होते हैं जिनमें करंट होता है वो सोल्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमने इसके जो साइड पे पॉइंट होते हैं वो सोल्ड करने हैं, सेंटर में भी सोल्डिंग लगानी है ताकि ये अच्छे से लग जाए। तो इसके ये पिछले जो पॉइंट हैं मैं उनको सोल्ड करने लगा हूँ। ये यहाँ पे मैं इसलिए सोल्डिंग लगा रहा हूँ ताकि जब जैक लगे तो मसला ना हो कोई।
तो अभी दोस्तों जैक सोल्डिंग हो चुका है, अब हमने मदरबोर्ड के ऊपर वापस लगाना है। तो जैसे हमने उतारा था वैसे ही वापस लगाना है। अगर दोस्तों आप ऊपर से हीट देंगे इस जैक को तो ये क्योंकि प्लास्टिक का होता है तो ये पिघल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब जैक लगाना है, अगर तो आपके पास ओरिजिनल जैक है तो फिर आप लगा सकते हैं ऊपर से भी हीट दे के, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक वाला जैक है तो फिर आपको नीचे से ही हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं हीट भी दे रहा हूँ और इसको ऊपर इसके जो सुराख हैं उनमें फ़िक्स भी कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इसको फ़िक्स करना है और थोड़ी देर पकड़ के रखना है ताकि ये अपनी जगह पे रुका रहे। अब दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है दबा देना है किसी चौड़े ट्यूज़र की मदद से ताकि जो सुराख हैं उनमें ये प्रॉपर अपनी जगह पे सही फिटिंग आ जाए। तो उसके साथ मैं ये थोड़ा सा सोल्डर भी लगा देता हूँ ताकि ये जहाँ पे थोड़ा सोल्डर लगा हुआ है वो अपनी जगह ये फिल कर ले। और फिर अगर ज़ोर से भी चार्जिंग जैक, इसमें आपको पता ही है कस्टमर किस तरह लगाते हैं, तो अगर ज़ोर से भी कोई लगाए तो ये बाहर ना निकले, टूटे ना। तो अब दोस्तों जैक लग चुका है, इसको मैं मदरबोर्ड को इसकी बॉडी में फिक्स करता हूँ और फिर हम चेक कर लेते हैं कि ये चार्जिंग कर रहा है, वर्किंग में है या नहीं। तो अभी दोस्तों मदरबोर्ड फिटिंग हो गई है, मैं एक दफ़ा बाहर से ही इसकी एलसीडी लगा लेता हूँ और इसको चेक कर लेते हैं। ये एलसीडी का जैक यहाँ पे लगा देना है और चार्जिंग फिर चेक करते हैं। एलसीडी लग चुकी है और ये दोस्तों मैंने चार्जिंग जैसे ही प्लग इन की है तो आप लाल लाइट देख सकते हैं, रेड कलर की लाइट पहले शो हुई है, उसके बाद ये मीडिया पैड आ गया है। तो ये 40% बैटरी इसकी ऑलरेडी है।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी लाइट नज़र आ रही है। तो चार्जिंग, इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन लाजमी मिल जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।